आज मैं हूँ बर्लिन जर्मनी में मेरे स्टूडेंट्स के साथ में जिन्होंने आउफनामे प्रोफॉर्म क्लियर कर लिया है। नॉट ओनली इंडियन, सारे वहाँ पे जो बच्चे आ रहे थे उनको उसमें प्रॉब्लम हुई थी, बट बिकॉज मेरा C1 हो गया था और मेरे को इतनी प्रैक्टिस मिली थी, वो एक बहुत बड़ी हेल्प थी। इन लोगों ने सबने C1 क्लियर किया था, जैसे कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि C1 करो। और मैं ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से मिला हूँ जिनकी जर्मन लैंग्वेज बहुत अच्छी है, बट मैथ्स कमजोर होने की वजह से उनको आउफनामे प्रोफॉर्म में सीट नहीं मिल पाती। तो अमृतपाल विजन की मदद से और यूरेशिया की मदद से हमारा अपना प्रोफॉर्म अच्छे से निकल। कि 3 वीक्स के क्लासेस होते हैं सिर्फ जर्मन का एग्जाम कैसे पास करना है उसके लिए, और 3 वीक्स के क्लासेस होते हैं कि मैथ्स का एग्जाम कैसे पास करना है उसके लिए। सो अगर किसी का मैथ्स कमजोर भी है तो भी आपको यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में आपको हेल्प मिलेगी। सबको 100% रिजल्ट है आज तक आउफनामे क्लियर करने का। 3 to 4 months हो गए इनको जर्मनी में आए हुए, सब कुछ खत्म हो गया, आउफनामे के बाद इनको सीट भी मिल गई। इधर मैंने ऐसे देखे डेढ़ साल से बैठे हैं, लैंग्वेज नहीं हो रहा है उनसे, स्टूडेंट को लिख नहीं हो रहा है उनसे, FSP क्लियर नहीं हो रहा है। आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर ये चैनल देख रहा है तो उसका यहाँ पर आके टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर आके बिना सीट्स के, बिना एडमिशन के इंडिया वापस आते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अमृतपाल, फाउंडर ऑफ अमृतपाल विजन। आज मैं हूँ बर्लिन जर्मनी में मेरे स्टूडेंट्स के साथ में जिन्होंने आउफनामे प्रोफॉर्म क्लियर कर लिया है, एडमिशन मिल गया है स्टूडेंट कॉलेज में सिर्फ एक ही बार में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और इन लोगों ने सबने C1 क्लियर किया था, जैसे कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि C1 करो, अदरवाइज आपको सीट नहीं मिलेगी। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से B2 करने के बाद आए हैं और उनको सीट नहीं मिली है। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने C1 किया, सबको 100% रिजल्ट है आज तक आउफनामे क्लियर करने का। मानस से हम लोग चालू करेंगे, मानस आए हैं दुबई से, इन्होंने दुबई में अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है और अमृतपाल विजन के थ्रू जर्मनी में आए हैं। सो मानस, हमारा ये जो पूरा इंटरव्यू सेशन है ये सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को हमको गाइड करना है जो स्टूडेंट्स जर्मनी आते हैं बट उनका आउफनामे क्लियर नहीं होता है, राइट? आपने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे एड्रेस किया होगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट एक्स फैक्टर क्या होता है अमृतपाल विजन के स्टूडेंट्स के लिए कि कैसे उनको 100% जो है एडमिशन मिल जाता है कोई भी स्टूडेंट कॉलेज में जाए, और कितने स्टूडेंट कॉलेज में हमने आपके लिए एप्लीकेशन किया था, और कितने ट्रायल के बाद आपको स्टूडेंट कॉलेज में जगह मिली, उसके बारे में बताइए। तो मैं अमृतपाल विजन के थ्रू जर्मनी में आया था और यूरेशिया से मैंने C1 तक अपनी लैंग्वेज करी थी। उसके बाद यूरेशिया ने मुझे अलग से एक प्रेपरेटरी कोर्स भी दिया था, हम सबको दिया था जर्मन और मैथ्स के लिए, जो सिर्फ आउफनामे प्रूफिंग के लिए है, उस एग्जाम के लिए थी। तो अमृतपाल विजन के थ्रू उन्होंने मेरी ऑलमोस्ट 15 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करा था जो सारी मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मेरा सब में चांसेस थे, बट मेरा फर्स्ट एग्जाम TU डार्मस्टाट का था और मेरी वन ऑफ माई टॉप चॉइसेस थी, तो मेरा वो हो गया और मैंने वही लिया। तो मैं कहूँगा कि मेन चीज़ जो थी एग्ज़ाम में, एटलीस्ट जो मैथ्स पार्ट था वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, जिस तरह से पेपर आया था, जो टाइप ऑफ क्वेश्चन आए थे, बट मैं कहूँगा बींग एन इंडियन स्टूडेंट वो पार्ट थोड़ा डूएबल था, बिकॉज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैथ्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। प्रॉब्लम होती है जर्मन में लोगों को, क्योंकि उसमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ वो पेपर होता है, वो एक नॉर्मल लैंग्वेज पेपर की तरह नहीं होता। तो वहाँ मैं कहूँगा कि काफ़ी सारे बच्चों को, नॉट ओनली इंडियन, सारे वहाँ पे जो बच्चे आ रहे थे उनको उसमें प्रॉब्लम हुई थी, बट बिकॉज मेरा C1 हो गया था और मेरे को इतनी प्रैक्टिस मिली थी, वो एक बहुत बड़ी हेल्प थी। तो मैं यही कहूँगा कि लैंग्वेज जो आपकी है वो एटलीस्ट इस ऐसी कंट्री में जहाँ पे लैंग्वेज पे इतना जोर देते हैं वो बहुत ज़रूरी है। मैं दुबई से आया हूँ तो मेरे को अमृतपाल सर बोल सकते थे कि दुबई में ही कर लो, बट यहाँ पे आके बहुत हेल्प मिलती है और बहुत लैंग्वेज, मतलब 0 to 100 बहुत जल्दी जाती है। तो ऑफलाइन आके, जर्मनी में आके जब आप लैंग्वेज करोगे वो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा, यही मैं कह सकता हूँ। ग्रेट। सो अभी हम लोग दीपक से बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस अमृतपाल विजन का कैसा था, प्लस जर्मनी आने के बाद इनके भी आउफनामे क्लियर है, हालांकि वेटिंग लिस्ट में है, कोबर्ग में इनका हो चुका है। सो इनसे पूछेंगे क्या एक्स फैक्टर है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लोग मिलते हैं, राइट? जर्मनी का जो एक्चुअल सिनेरियो है, रियल लाइफ सिनेरियो, वो क्या है दीपक? हेलो, माय नेम इज़ दीपक। मैंने भी अपनी जर्मन की सारी लेवल्स यूरेशिया इंस्टीट्यूट से ही कंप्लीट की हैं, उन्होंने टॉप नॉच लेवल की जर्मन पढ़ाई है और मेरी मैथ्स में भी बहुत मदद की है। यहाँ पर उन्होंने मैथ्स की और जर्मन की आउफनामे प्रूफिंग के लिए क्लासेस अरेंज कराई थी, और बाकी मैंने आउफनामे प्रूफिंग कोबर्ग दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। अभी मैंने कुछ दिन पहले हाले दिया है, उसमें भी मेरे सिलेक्शन के चांसेस हैं, मैं अभी वेटिंग लिस्ट में हूँ।
और मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है, इंडियंस की तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, हाल में बहुत ज़्यादा बच्चे आए थे। एटलीस्ट जब मैं पेपर दे रहा था तो टी कोर्स और डब्ल्यू कोर्स के बच्चे दे रहे थे, एटलीस्ट 700 to 800 बच्चे होंगे, तो उसमें इंडियंस भी बहुत ज़्यादा थे। और मैं ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से भी मिला हूँ जिनकी जर्मन लेवल बहुत अच्छी है, बट मैथ्स कमज़ोर होने की वजह से उनको ऑफ नाम परफॉर्मेंस सीट नहीं मिल पाती। तो अमृतपाल विजन की मदद से और यूरेशिया की मदद से हमारा ऑफ नाम परफॉर्मेंस अच्छे से निकल गया। राइट स्टूडेंट्स, देखो इंडियंस का तो मैथ्स बहुत अच्छा है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, सिर्फ आपको एक नरिशमेंट चाहिए होता है जो यूरेशिया में आपको मिलेगा, क्योंकि इनके 3 वीक्स के क्लासेस होते हैं सिर्फ जर्मन का एग्जाम कैसे पास करना है उसके लिए, और 3 वीक्स के क्लासेस होते हैं कि मैथ्स का एग्जाम कैसे पास करना है उसके लिए। सो अगर किसी का मैथ्स थोड़ा कमज़ोर भी है तो भी आपको यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये लोग स्टूडेंट फॉरवर्डिंग कोर्स देते हैं, मतलब स्टूडेंट प्रिपरेशन कोर्स, सो दैट आप सीधा ऑफनामे में जाओगे उससे पहले आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराते हैं, सो दैट आपको 100% जगह मिले। अभी हम लोग बात करेंगे व्रज से। व्रज है हमारे अहमदाबाद के स्टूडेंट, इनका कैसा पूरा एक्सपीरियंस रहा और कैसे इनको सीट मिली फर्स्ट ट्रायल में, ट्रांसफर में, उसके बारे में व्रज आप बताइए। सो मैंने भी A1 से A2 अमृतसर के वहाँ से इंडिया से करी थी, देन B1 से C1 मैंने यहाँ आके यूरेशिया से करी थी, एंड मेरा सारा प्रोसेस एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज़ अमृतसर ने कर दिया था। मेरी मोस्टली अराउंड 15 यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन हो गया था, बट मेरी जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी थी TU डार्मस्टाट, उसमें ही मुझे सीट मिल गई, बिकॉज आई थिंक हम लोग का एक तो C1 कम्प्लीट हो गया था तब तक, तो वो काफ़ी प्लस पॉइंट था हम लोग के लिए, एंड हम लोग की इंडियंस की तो थोड़ी मैथ्स अच्छी होती है तो उसमें एडवांटेज था, प्लस यूरेशिया यहाँ पे एक फॉरवर्डिंग कोर्स ऑफर करता है जैसा अभी अमृतसर ने कहा, तो उसमें बेसिकली हर एग्ज़ाम के लिए एक मॉक टेस्ट हो जाती है, ऑफनामे के लिए एक मॉक टेस्ट हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है सबके लिए। ग्रेट। सो अमृत रूप है हमारे UP से, उनसे भी बात करेंगे, उनका एक्सपीरियंस अमृतपाल विजन में कैसा था। हेलो। सो और इनका भी कोबुक में आपका निकल चुका है, इनका भी कोबुक में एप्लीकेशन था और इनका एडमिशन भी हो चुका है। सो अमृत रूप, आप बताइए कैसा था पूरा एक्सपीरियंस आपका, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या इंडियन स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। यस सर। सो मैंने भी फर्स्ट एग्ज़ाम इन सब के साथ ही दिया था, इन्होंने डार्मस्टाट में दिया था मगर मैंने कासल में दिया था, तो वहाँ पे भी मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि स्टार्टिंग में जो यूरेशिया की तरफ से कोर्स था मैथ्स का वो मेरा कम्प्लीट नहीं हो पाया था, और मेरे को काफ़ी टाइम हो गया था मैथ्स को किए हुए, मगर जब मेरा सेकंड पेपर था एग्ज़ाम कोबुर का, उस टाइम मेरी C1 भी कंप्लीट हो गई थी और यूरेशिया की तरफ से मैथ्स और डॉइश का कोर्स भी हो गया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, वो मेरा क्लियर हो गया था, और मेरी एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट 15 यूनिवर्सिटीज़ में हो गई थी, अमन मैम ने कराई थी, तो वो पूरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी उसमें। और रही बात कि स्टूडेंट्स को किस पे ध्यान देना चाहिए, तो उसमें एक तो फैक्टर आता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि हाल ही में जहाँ था कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स हैं तो कॉन्करेंस बहुत हो जाता है, क्योंकि सीट्स ऑलमोस्ट 4 to 5 होती हैं और 50-60 स्टूडेंट्स में आपका लक फैक्टर भी होता है और मार्क्स भी अच्छे होने चाहिए। और बाकी कुछ लोग थे जिनको मैंने देखा था इंडिया से डायरेक्ट पूरी लैंग्वेज कंप्लीट कर आ रहे थे, कुछ ने सिर्फ B1 कर रखी थी, भले ही अगर एग्ज़ाम B1 लेवल का है आपको मिनिमम B2 चाहिए होती है, क्योंकि मेरा मानना ये है जब आप C1 करते हो तब आपका लेवल B2 के अराउंड आता है, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ग्रेट। अभी है हमारे मिस्टर परमार फ्रॉम गुजरात, उनसे पूछेंगे उनका पूरा रिव्यू, ओवरऑल रिव्यू कैसा था रिलेटेड टू अमृतपाल विजन एंड यूरेशिया का जो जर्मन लैंग्वेज इन्होंने इधर किया। यस। हाँ, तो मैंने भी अपने सारे एप्लीकेशन अमृतपाल विजन के थ्रू करवाए थे और अपनी लैंग्वेज A1 और A2 मैंने अहमदाबाद में ही की थी अमृतसर के साथ, और B1 B2 C1 मैंने यूरेशिया से किया है, और यूरेशिया जो फॉरवर्डिंग कोर्स करवाते हैं उसमें तीन वीक डॉइच होते हैं और 3 वीक मैथमेटिक्स होती है, तो वो काफ़ी हेल्प करता है, तो मेरे भी अराउंड 10 to 12 एप्लीकेशंस हुई थी, तो और फर्स्ट ऑफ नाम में मेरा डार्मस्टाट ही था इन सब के साथ, तो मैंने वो दी थी पर अनफॉर्चुनेटली मेरा वेटिंग लिस्ट में आया था, तो थोड़ा मतलब डिप्रेस टाइप हो गया था मैं एक हफ्ते के लिए, पर तो भी उस दौरान मैंने मेहनत चालू रखी थी कि दूसरे ऑफनामे के लिए, तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी लैंग्वेज और मैथ्स में मैथ्स और लैंग्वेज अच्छी है तो ऑफनामे सही से निकल जाए। नहीं फिर वो तो बताइए, डिप्रेशन होने के बाद कहाँ सीट मिली आपको फिर
फिर जब उन्होंने बोला था कि एक हफ्ते का वेटिंग लिस्ट का रिजल्ट आने में एक हफ्ता और लगेगा, तो एक हफ्ता हो गया था तो भी उनका कोई मेल नहीं आया था, तो मैंने चांस लिया कि चलो इनको एक मेल करके देखता हूँ। तो मैंने मेल की तो उनका तुरंत ही रिप्लाई आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हम आपको इंक्लूड कर रहे हैं विंटर सेमेस्टर के लिए। तो फिर बाकी कोई ऑफनामे देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ग्रेट, आपका कितने यूनिवर्सिटीज में से इनविटेशन था ऑफनामे के लिए? अराउंड 12 यूनिवर्सिटीज में से। राइट, तो भी कोई टेंशन तो था ही नहीं? नहीं, वैसे भी कोई टेंशन नहीं था, बट दोस्तों के साथ रहना था, सबका हो चुका था। और तो फिर राइट सो अभी मुझे ये बताइए कि चलो ये सब हो गया, आपने अपना जो पूरा रिव्यू था वो आपने दे दिया, अभी आपने आप टोटल 5 स्टूडेंट्स हो, राइट? आपके साथ और भी दोस्त होंगे जो अलग अलग जगह से आए होंगे, खुद से आए होंगे या कोई दूसरी जगह से आए होंगे। अपने बीच में जो अमृतपाल विजन के स्टूडेंट्स थे या तो दूसरे स्टूडेंट्स थे, उनका और अपने में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या था? यस मानस, मेन डिफरेंस जो मैं यहाँ देखता हूँ यूरेशिया के स्टूडेंट्स जो अमृतपाल विजन के थ्रू नहीं आए हैं, मतलब मैं कहूँगा कि कुछ कुछ काम होते हैं जो वो खुद ही कर लेते हैं, जैसे मतलब ये एप्लीकेशंस का हुआ, जो मैं मानता हूँ कि ठीक है उनको सीखने को मिल रहा होगा खुद से कैसे काम करें, बट उस टाइम कर रहे होते हैं जब जैसे अपनी जर्मन की क्लास चल रही होती है या कोई और होमवर्क या कुछ असाइनमेंट होता है तब कर रहे होते हैं, तो वो उस चीज़ पे स्किप कर जाते हैं और ये मतलब ब्यूरोक्रेटिक काम में थोड़ा ज़्यादा लग जाते हैं, विच इज़ फाइन, बट उनकी एक जगह पढ़ाई थोड़ी कम हो जाती है मेरे को लगता है। तो ये मैं कहूँगा एक बड़ा डिफरेंस था कि सारा काम जो मतलब थोड़ा पेपर वर्क रिलेटेड है उसमें बहुत बड़ी हेल्प मिलती है जब अमन मैम या अमृतपाल सर कर रहे थे वो सारा काम। हम मतलब हमने अपनी डिटेल्स दे दी थी बस, और उसके बाद उन्होंने अप्लाई करा हमें, मतलब वो जुलासुम बोलते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की एक्सेप्टेंस होती है कि आप एग्ज़ाम देने के लिए आ सकते हो, वो हमें मिल गई थी। तो वो मैं कहूँगा एक बहुत बड़ी हेल्प रही है कि हमारा ए टू जेड सारा काम वीज़ा से लेके अभी तक मतलब सर और मैम हैंडल करते हैं और उनकी टीम, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जनरली स्टूडेंट्स कैसा होता है कि आपका एक बार इंडिया से वीज़ा आ गया, आप जर्मनी आ गए, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या करना है, कौन सी टाइमलाइंस है, कौन सी डेडलाइंस है, कहाँ पर एप्लीकेशन भेजनी है, कैसे कर रही है, कौन से पोर्टल पर करनी है। जनरली अगर आप खुद करना चाहोगे तो 5 से 6 यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम करोगे, और इनके फ्रेंड्स ने सब में 5 से 6 में ही किया था, बट इन लोगों के पास 10 से 15 यूनिवर्सिटीज़ के ऑफर लेटर थे। क्यों? क्योंकि हमारी टीम है, वो पूरा काम आपके लिए करती है। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट अगर इधर आ रहे हैं उनका काम है मेन पढ़ना, ना कि एप्लीकेशन सेंड करना, कुरियर की लाइन में लगना और उनको नोटरी करवाना। और हम लोग सब काम पूरा इंडिया से करवाते हैं, नोटरी भी आपका इंडिया से होगा। जनरली आप जर्मनी में नोटरी कराने जाओगे पर पेपर ये लोग 10 यूरोस का चार्ज लेते हैं, तो वो पैसे भी आपके बचते हैं। प्लस आपको ये हेडेक नहीं है कि कब मेरे को एप्लीकेशन करनी है, ये एप्लीकेशन मैंने सही की थी कि नहीं, तो वो टेंशन अमृतपाल विजन में नहीं। आपको पूरा प्रोसेस आफ्टर वीजा, हमारा मेन काम आफ्टर वीजा चालू होता है, वीजा तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बट मेन काम हमारा वीजा के बाद चालू होता है। दीपक से पूछेंगे, दीपक आप कहाँ से हो? मैं हरियाणा से हूँ। हाँ, तो मैंने भी अमृतपाल सर का जो चैनल था यूट्यूब का उसके थ्रू मैंने इनको कॉन्टेक्ट किया, तो उस टाइम पर यह प्रॉब्लम थी कि 90% से कम जिनके 12th में उनको दिल्ली एम्बेसी में वीज़ा के लिए वो नहीं मिल रही थी अपॉइंटमेंट। तो मैं अहमदाबाद में अमृतपाल सर के साथ मैंने लैंग्वेज अपनी कंप्लीट की और उनकी सर्विस बहुत अच्छी है, और बाकी वीज़ा तो बहुत इजी काम है उनके लिए। और बाकी जैसा कि आपको पता है कि वीज़ा आने तक ही सारा काम नहीं होता, बहुत काम होता है जर्मनी में लैंडिंग के बाद भी, जैसे एप्लीकेशन करना, आनमेल्डिंग वगैरह से रिलेटेड जानकारी। और जर्मन एक ऐसा देश है जिसमें डॉक्यूमेंट वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो अमृतपाल सर की टीम ने बहुत ज़्यादा मदद की है उसमें डॉक्यूमेंट वर्क में। मैंने यूरेशिया इंस्टीट्यूट में पढ़ते हुए बहुत ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनका कि डॉक्यूमेंट वर्क बहुत ज़्यादा होता है, तो अपनी क्लासेस स्किप करते हैं, अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाते, फिर एज ए रिजल्ट ऑफनामे परफॉर्म नहीं दे पाते और फिर ये सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बट हम लकी हैं कि हम अमृतपाल विजन के साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू उरज, बधाई। सो जर्मनी आके पहले से ही हम लोग के पास सारा काम खुद करना होता है, इंडिया में तो सब पेरेंट्स होते हैं तो हम कर सकते हैं, बट यहाँ आके तो इन सब कामों के साथ पढ़ाई पे फोकस करना और उसके साथ इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ में एप्लीकेशन करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे यहाँ वहाँ से जिन लोग ने खुद से अप्लाई किया था एंड उन लोग दिन भर लगे रहते थे, स्टिल उन लोग का 5 to 6 यूनिवर्सिटीज़ से एक्सेप्टेंस आया था ऑफनामे लिखने के लिए, बट हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ा था, बस डिटेल्स दे दी थी, डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे एंड 15 यूनिवर्सिटीज़ के अराउंड सबका एक्सेप्टेंस आ गया था सारी यूनिवर्सिटीज़ से। सो ऐसे टेंशन नहीं थी कि ये नहीं निकला तो ये नहीं हो जाएगा,
बहुत सारे बैकअप ऑप्शंस थे हम लोग के पास. ग्रेट. यस अमृतो. यस. सो सिर्फ एप्लीकेशंस नहीं होती हैं, कई यूनिवर्सिटीज में एक ऐसा होता है कि आपको ऑफर लेटर दे देते हैं और कहते हैं कि एक फिक्स डेट पे आपको दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा. तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एप्लीकेशन तो कर रखी थी मगर वो भूल गए कि इस डेट पे वो करना था रजिस्ट्रेशन, मगर अमृतपाल सर की टीम ने मेरी तरफ से वो एप्लीकेशन कर दी थी क्योंकि मैंने वो खुद से ट्राई किया था मगर उस लिंक पे वर्क नहीं हो रहा था, वो बार बार मेन होम पेज पे जा रहा था. तो बाकी वो है कि सर की टीम ने पूरा कर दिया था और मेरे पास उस यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर भी आ गया था. बाकी अगर आप खुद करने बैठोगे तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो आपको खुद को समझ नहीं आएंगी. तो एक अगर एक्सपीरियंस टीम आपके लिए कोई एप्लीकेशन करेगी तो उसमें परफेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपको सुलासु मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं. राइट. ग्रेट. यस मिस्टर पवार. हाँ, तो मेरे भी कई ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने खुद से एप्लीकेशन करने की ट्राई की पर उनसे सिर्फ 5 से 6 यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर आए हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद से कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन अटक जाएगा और वो सब करने का इधर आके आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता. तो अगर कोई गाइडेंस हो आपके पास, जैसे कि मेरे लिए अमृतपाल एविजन था, तो वो एक हेडेक आपके लिए कम हो जाता है और सारी एप्लीकेशंस और पोस्ट लैंडिंग ठीक से हो जाती है. ग्रेट. सो स्टूडेंट्स, ये सब वीडियोस बनाना हमारा ये ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारी कोई मार्केटिंग कर रहे हैं. आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट अगर ये चैनल देख रहा है तो उसका यहाँ पर आके टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर आके बिना सीट्स के, बिना एडमिशन के इंडिया वापस आते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको इम्प्रॉपर गाइडेंस मिले हैं, इनलाइन गाइडेंस. अभी ये देखो, ये सब 3-3, 4-4 महीने पहले जर्मनी में आए. सब लोग, कोई किसी से भी आप पूछ लो, 3-4 मंथ्स हो गए इनको जर्मनी में आए हुए, सब कुछ खत्म हो गया. आउफनामे के बाद इनको सीट भी मिल गई. मीन्स लोग इधर, मैंने ऐसे देखे, डेढ़ साल से बैठे हैं, लैंग्वेज नहीं हो रहा है उनसे, स्टूडेंट को लिख नहीं हो रहा है उनसे, FSP क्लियर नहीं हो रहा है. बहुत सारे, जब भी आप इधर आओगे आप भी देखोगे, अगर आप अमृतपाल विजन के थ्रू आ रहे हो, बहुत आप ऐसे स्टूडेंट देखोगे जिनका अभी तक कुछ नहीं हो रहा है. सो हमारा मेन मकसद ये है कि आपका इनलाइन टाइम प्रोसेस हो और कहीं पर भी आपके ना तो टाइम वेस्ट हो ना तो पैसा वेस्ट हो. ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए. हमारे लिए 1 यूरो तो बहुत दूर की बात है, 1 पैनी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए. आई डोंट थिंक सो कि इनके दूसरे फ्रेंड्स के जो भी मेंटर्स होंगे जो इंडिया से होंगे, कोई उनको मिलने आया होगा. राइट. अभी इनके पास आउफनामे हैं, इनके साथ में खुद जाने वाला हूं हर यूनिवर्सिटीज में जहां पे ये एडमिशंस लेने वाले हैं, सो दैट इनको ऐसा रहे कि हाँ भाई ठीक है मैं पेपर नहीं लिखने वाला हूँ, बट इनको ये रहेगा कि हाँ नहीं, हमारे पीछे कोई बंदा खड़ा है जो हमारा इधर नहीं तो उधर एडमिशन तो करा ही देगा. उससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है, बहुत बड़ा मोटिवेशन भी आ जाता है. तो कोई ऐसा आजकल नहीं करता है कि आपके साथ में इधर आके जर्मनी में इस टाइम पे बैठे हों, आउफनामे क्लियर हो रहा हो और इनको रियल टाइम जो है काउंसलिंग. अभी भी मेरी काउंसलिंग चल रही है, आज भी काउंसलिंग सेशन था, क्या करना है, कैसे करना है. सो अगर आपको जर्मनी जाना है और टाइम से प्रोसेस आपको खत्म करना है और वीजा लेना है और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, देन एंड ओनली देन कॉन्टेक्ट अमृतपाल. सी यू सून हियर इन जर्मनी. बाय.